₹15 में गुरु क्या हो सकता है कि ₹15 में आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच अपनी आंखों से देखने को लाइव मिल सकता है। अगर आप हैरान हो रहे हैं तो हम आपको बता दें, खबर सच है, क्योंकि ₹15 में ही ये मैच देखने को मिलेगा। पर डे जो सबसे कम कीमत है वो ₹50 है, ₹50 में आप ये मैच ग्राउंड में जाकर देख सकेंगे। तो इंतहाई कम कीमत, मतलब ₹50, सिर्फ ₹50 जो है वो कीमत रखी गई कि आप ₹50 में टिकट खरीदे और पाकिस्तान और बांग्लादेश दरमियान टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट मैच जो है वो, जहां आपको बाबर आजम, शाहीन, सरफराज, सऊद, शान, नसीम शाह, मीर हमजा, अबरार अहमद, मतलब ऐसे सुपरस्टार्स को आपको देखने के लिए सिर्फ अगर ₹50 खर्च करना पड़े। और फिर भी कोई नहीं जाएगा, ये ₹50 अगर मैं इंडियंस में कन्वर्ट करूं तो ₹10 बनते हैं भाई। जो हमारी कंट्री के हालात है ना वो सबके सामने है। लोग कह रहे हैं हम 50 में भी नहीं आएंगे, हम घंटे आजम को 50 में भी नहीं देखने आएंगे। यानी कि बाबर आजम की कीमत अब यानी कि ₹50 हो गई है, जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार समझते हैं लोग, उसको देखने के लिए आपकी जेब में टोटल ₹50 होने चाहिए। कितनी शर्मिंदगी की बात है, वर्ल्ड कप के $20 के बाद ये कितनी चीप हरकत है। ये हमारी औकात है, हमारी टेस्ट टीम की, जिस बाबर आजम को हम सर पे बैठाते हैं उसकी ये औकात है हमारे अपने मुल्क में। आज इधर ही आप कराची के स्टेडियम में या पिंडी के स्टेडियम में विराट कोहली और रोहित शर्मा या किसी भी इंडियन प्लेयर्स की एंट्री करवाओ, लोग लाखों रुपया देने के लिए तैयार होंगे कि हम किसी तरह विराट कोहली को देख ले। मैं मतलब के $1 यार, आप बाहर जाओ, मतलब के $1 तो कोई चीज ही नहीं होती बाहर के मुल्कों में यार, आपकी टिकट $1 से भी कम है यार। ये आपकी टेस्ट क्रिकेट है, यानी कि ये वैल्यू पाकिस्तानी स्टार्स की रह गई है। पाकिस्तानी प्लेयर्स की औकात नहीं है दुनिया में, या पूछता इनको कोई नहीं है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को पता है कि टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, भाईजान पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखने के लिए ना सिर्फ आपको ₹50 देने पड़ेंगे, घंटे आजम साहब को देखने के लिए आपको ₹50 देने पड़ेंगे। मतलब जो टिकट्स की प्राइस रखी गई है वो ₹50 रखी गई है। आप अंदाजा लगा लो कि हमारे प्लेयर्स को देखने के लिए कितने पैसे हमने देने हैं, और फिर भी कोई नहीं जाएगा। ये ₹50 अगर मैं इंडियंस में कन्वर्ट करूं तो ₹10 बनते हैं भाई। ₹10 में आजकल क्या होता है, हम बॉब्सी दी किंग हैं, हम शाहीन ईगल हैं, हम टेपिया हैं और हम घंटे हैं यार। लिटरली अगर औकात हमारी यही है कि हम $25 में सेल्फी देते हैं, ₹50 में हमारे प्लेयर्स को फिर भी कोई नहीं देखने आता। नसीम को देखने के लिए, रिजवान, लिपस्टिक, बुल्लड, मौलवी, एक्टर को देखने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ ₹50 देने हैं और फिर भी कोई नहीं आ रहा। आज इधर ही आप कराची का स्टेडियम में या पिंडी के स्टेडियम में पाकिस्तानी जो है वो मीडिया, वो पीसीबी पर और पाकिस्तानी प्लेयरों पर बरस पड़ा है। प्लेयरों का उन्होंने कसूर इसलिए बनाया है कि प्लेयरों के दरमियान इत्तफाक नहीं है, इस वजह से प्लेयर्स की जो फैन फॉलोइंग है वो कम हो रही है। और जो फैंस हैं वो बांग्लादेश वाली सीरीज़ में जो मैच देखने के लिए आएंगे उसकी इंतहाई कम टिकट रखी गई है, ₹50 टिकट रखी गई है पर डे, जो कि रावलपिंडी में मैच खेला जाना है जिसका आगाज 21 अगस्त से होने जा रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दो टेस्ट मैचेस की सीरीज है, उसकी इंतहाई कम जो है वो रकम रखी गई है। जो मैचेस की होगी फीस वगैरह, टिकट जो है वो ₹50 है। इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पीसीबी का मियार भी गिर चुका है और पाकिस्तानी प्लेयरों का भी मियार गिर चुका है, जिसकी वजह से इंतहाई कम रेट रखा गया है कि फैंस जो हैं वो एंजॉय करने के लिए आएं और मैचेस देखें।